हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो हैप्पी 11th। साल भर की सबसे बड़ी 11th होती है, आप सभी को पता है ना। सो हमारे यहाँ दीपावली नहीं हुई थी, मैंने अपने ब्लॉग में बताया था। सो हमारे यहाँ 11th की पूजा हुई थी। सो देखिए, हम लोगों ने घर के बाहर रंगोली डाली थी। ये मेरी जेठानी है, इन्होंने भी डाली थी, और जो मैंने पहले दिखाई वो मैंने डाली हुई थी, है ना। सो हमने 11th कुछ इस तरीके से मनाई है। और ये देखिए, भैया ने चौक पूरा हुआ था। ये लेडीज़ हैं, जेंट्स पूजा करते हैं हमारे यहाँ इस दिन। और हमारे मतलब एक जगह और फूफा ससुर जी ख़त्म हो गए थे, तो हम सभी वहीं गए हुए थे। तो ये और मतलब मेरे हस्बैंड और देवन ने ही पूजा की थी, हम सभी मिट्टी में गए हुए थे। सो देखिए, ये फिर चौक पूरा भैया ने, और उसके बाद ये तुलसाना रखा। तुलसी माता का विवाह भी हुआ था, मतलब तुलसी माता की पूजा भी होती है। तो बस यही माता के लिए। और देखिए, प्रज्ञान फटाके भी रख रहा है कि फटाके की भी पूजा करेंगे। सो बस के पैर शूज नहीं उतार रहा है, बोला पटाखे फोड़ेंगे। हमने बोला पहले पूजा उसके बाद कुछ और। तो बस वही रोते जा रहा और करते जा रहा। और देखिए भैया और ये गन्ने रख रहे हैं पूजा के लिए। सो देखिए, इन लोगों ने तैयारी भी कर चुके हैं, दीप भी जला लिए हैं। 11 दिए जलते हैं। और देखिए, ये लक्ष्मी दीपावली में जो पूजा हमने ऐसे ही की हुई थी। सो हम लक्ष्मी माता मतलब गालन की, लक्ष्मी माता और जो कुछ रहता है सभी चीज़ों की, है ना, कुछ इस तरीके से ही पूजा करते हैं। और भैया ये शुभ लाभ लिखने और घर के बाहर। सो बस भैया वही सेंदूर घोर रहे हैं। और ये देखिए, ये पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सो बस ये तुलसी माता के लिए वही जो चूड़ी बिंदी वगैरह होती ना, वही इनको उनको मतलब चढ़ा रहे हैं। और ये मम्मी पापा दूर बैठे हैं और बताते जा रहे हैं, क्योंकि वो अब पूजा कर नहीं सकते हैं। और ये हमारा साइड वाला आंगन है। मैं आपके संग, हमारी किचन बन जाए फिर मैं आपके संग अपना होम ट्रू भी शेयर करूँगी फ्रेंड्स। सो बस ये देखिए, ये पूजा कर रहे हैं। सो पूजा में जो जो कुछ लगता है, जैसे कि भाजी, कुमड़ा, और ये मूली, मकोड़े, बेर, पेठा, है ना, सीताफल, और मतलब और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ, ये सभी चीज़ें, एक पुड़िया आती है इन सब चीज़ों की। तो बस के ही ले आए हुए थे पापा सुबह जाके, जाने के पहले वहाँ। और देखिए, मिठाइयाँ भी हैं। सो बस ये एक एक करके चढ़ा रहे थे। तो बस पापा मम्मी वही बताते जा रहे थे इनको, और ये पूजा करते जा रहे थे। क्योंकि हमारे यहाँ हर पूजा हमारे पापा जी करते हैं, बट कभी मौका ऐसा आ जाता है कि फिर इनको ही करना पड़ता है, है ना। और देखिए, सो ये सिंदूर वगैरह लगा रहे हैं माता को, मतलब भगवानों को, है ना। और ये चौक मम्मी ने, भैया ने फूल टाइप फूल बना दिया, और रंगोली का जो सांचा आता ना, उससे पैर बना दिए, है ना। उन्हें जो जो और जो जो अपने घर में चीज़ें होती हैं वही बनाई जाती हैं, और उन्हीं की कहीं कहीं 11th माता बनाई जाती हैं। अब मेरे मायके में तो 11th माता, इधर मतलब सब जगह थोड़ा डिफरेंस तरीके से पूजाएँ होती हैं, है ना। और ये गन्ने का मंडप बनाया जाता है ना। सो देखिए प्रज्ञान, और ये उसको तो पूजा पाठ में बहुत ही आगे आगे होता है, मैं ऐसा करूं, है ना। सो देखिए वही कर रहा, भगवान वो करता है, तो भगवान उसे अच्छा सद्बुद्धि दे। और देखिए, कुछ हमारे घर का व्यू था, पर हमने झालर नहीं डाली हुई थी क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। और ये भैया हमारा जो सामने वाला घर है, वहाँ भी भैया शुभ लाभ लिख रहे थे। सो बस देखिए, और ये इनने पूजा कर चुके थे, और उसके बाद भैया ने दिए जला दिए थे। तो जो हमने चार गन्ने थे मंडप, वो चारों गन्नों के वहाँ पे एक एक दिए रखने पड़ते हैं, एक किचन में, एक ऐसे कमरे में, मतलब ऐसे दिए रखने पड़ते हैं ना, 11 छत के ऊपर भी, और फिर जिसकी जैसी है ना, कोई 11 बहुत से भी जला लेते हैं। और ये साल भर की सबसे बड़ी एकादशी 11th होती है, है ना। सो देखिए, ये पूजा कर चुके थे, फिर भैया ये मेरे देवर हैं, सो ये पूजा कर रहे थे। हम लोगों ने पैर ही पढ़ लिए थे बस दूर से।
सो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, है ना, और लाइक शेयर करें। आप सभी कमेंट्स में ज़रूर, जो मेरे से कुछ गलतियां हो जाती हैं, सो प्लीज़ आप मुझे इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना, इससे आप सभी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकेंगे, है ना। सो देखिए, ये भैया भी पूजा कर चुके थे, है ना, को अटवाइयाँ भी बनी हुई थी, और जाओ अभी आप जाते जैसे सभी पैर देख पड़ो ही रहे हैं, जल्दी। और ये प्रसाद भी बढ़ता है सुबह से। देखिए आरती थी, आरती कर चुके थे ये, है ना। और देखिए प्रज्ञान भी कैसा कर रहा था आरती करने के लिए, वो बहुत पूजा पाठ के लिए, वो कहता मैं बहुत बड़ा हूँ जैसे। और बस इन्होंने आरती घुमाई, है ना, और फिर अंदर ले गए थे कि कमरों में भी। फिर देखिए ये थोड़ी देर बाद हम लोगों ने ये गन मंडप, मतलब गन्ने तोड़ना पड़ते हैं, तो बस इन्होंने गन्ने काट दिए थे, है ना। और ये प्रज्ञान भी बार बार वहाँ जा रहा था तो डर लगता है ना। सो बस यही था। और ये गन्ने काट के जो ये उनके ये गन्ने के जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये छत पे या मतलब ऐसे फेंका जाता है, बोला जाता है ये मंडप होता है, मतलब भगवान जी का। सो बस इसकी ये जो दिख रहे हैं आप सभी, सो बस देखिए इन्होंने काट के और इसे ना छत के ऊपर, तो हमने छत हमारा छत है पर हमने ये टी इधरी पे करते हैं ये लोग हर साल पूजा, तो इधरी पे ही फेंकते हैं, तो बस ये इधरी पे ही रख दिया रखा हुआ था। सो कहते हैं जिनकी शादी नहीं होती है वो फेंकें तो जल्दी पास, जल्दी क्या मतलब, ऐसा मैंने सुना हुआ है। सो बस हमारी पूजा हो चुकी थी, जो कि कुछ ग्यारस नन्हे माता की पूजा है। और पटाखे उसके बाद देखिए प्रज्ञान पटाखे फोड़ रहा था, देखिए प्रज्ञान के पटाखे भी फूटने लगे थे, बच्चे पटाखे फूट रहे थे साथ में ये भी, क्योंकि प्रज्ञान के बनते नहीं है। देखिए आज नहीं फोड़ने, कल से कोई नाम नहीं है। लाए हुए थे आ वो, जाए भी आ जाए मोहल्ला। वो तो बड़े बड़े बम मांगता है पर हम लोग देते नहीं है। सो देखिए आप सभी, डुब्बू के त्या है नारा ने, पकड़ के भागी दीजिए क्या हुआ, बात बात जा रही। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, सो फुल वॉच करें, और फुल वॉच करें। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।